आज हमारा रैंक पुशिंग का 22वां दिन एंड आज वाले मैच में जो तबाही मचाई है वो आपको देख के मजा आ जाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्कर लोबी गेम प्ले है। मेरी रैंक जो अभी 5 या 6 हजार के आसपास चल रही है एंड इस वाले मैच में हम कितना प्लस करते हैं वो देखना आप। कॉन्कर लोबी में इतना प्लस होना बहुत अच्छी बात होती है एंड मेरा लगभग लगभग हर मैच में इतना प्लस होता है, आपको पता है मैं किस तरीके से खेलता हूँ। अब इस वाले मैच में मैं तबाही मचाता हूँ, इस वाले मैच में मुझे कोई किल कर देता है एंड उसके बाद हम अपनी मौत का बदला कैसे लेते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। फटाफट से लैंड करते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पे एंड उसके बाद आगे का गेम प्ले दिखाता हूँ आपको। अब आज वाली वीडियो में मैं खेलने का स्टाइल अपना चेंज कर रहा हूँ। वैसे आपने देखा होगा मैं जहां पर भी तूफान होता है जैसे पोचिंकी या शनाया या फिर जॉर्ज पुल वहां पर कूदता हूँ, बट तूफान में ना ज्यादा भसड़ मच जाती है और ना बंदा 2-3-4 किल करके मर जाता है। अब मैं वहां पर इसीलिए नहीं कूदता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ न्यू ट्राई करते हैं, तो मैं छोटे वाले टेंपल पे आता हूँ एंड यहाँ पर मेरे साथ 2-3 बंदे उतरते हैं। उतरते मुझे गन मिलती है, मैं मारने की कोशिश करता हूँ बंदे को बट बंदा बच जाता है। अब बंदे को ढूंढने के लिए मैं आगे की तरफ आता हूँ, तभी मुझे साउंड आता है बंदा जो बाहर की तरफ है एंड मैं बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ। बंदा मुझे दिखता नहीं है, मैं फ्री फायर देता हूँ। अब ये वाला किल देखने के बाद आप सबके मन में यही ख्याल आया होगा, भाई इसने मारा कैसे, दिखा तो है ही नहीं बंदा। और मुझे खुद क्लिप देख के लगा भाई ये कैसे मार दिया, मैंने खुद को हैकर समझ रहा हूँ मैं अभी। अब इस वाले बंदे को मारने के बाद मुझे पता था सामने की तरफ एक और बंदा है, क्योंकि उसने अभी साउंड दिया था एंड मुझे पैरों का भी साउंड आ रहा था तो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे इधर से एक आता हुआ बंदा दिख रहा है जिसे मैं मारता हूँ, ये बोट था। तभी मुझे सामने की तरफ से साउंड आ रहा था, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे पता चल गया था बंदा सामने की तरफ है बट मुझे ये नहीं पता था वो बाहर है या अंदर। अब यहाँ पर मैं बताऊँ ना, मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी है, मैं और मॉन्स्टर दोनों एक साथ थे तो बंदा कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि मैं मर गया और वो मॉन्स्टर को मारने लग गया और दूसरी तरफ से मैंने उसे मार दिया। अब मॉन्स्टर काफी तंग कर रहे थे तो सबसे पहले मॉन्स्टर को मारते हैं, उसके बाद आगे का गेम प्ले दिखाता हूँ आपको मैं। अब 3 किल अपने हो गए थे, अच्छी खासी लूट भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो सामने एक बाइक खड़ी है, बाइक उठाते हैं इधर से निकलते हैं। तो यहाँ पर से मैं निकल जाता हूँ बाइक उठा के। अब बाइक लेके मैं बंदों की तलाश में घूम ही रहा था तभी यहाँ पर मुझे साउंड आता है, मैप में भी दिख जाता है गोली चली है, तो मैं इधर की तरफ गाड़ी मोड़ लेता हूँ एंड यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी थी तो यहाँ पर गाड़ी का भी इंतजाम अपना हो जाता है एंड बंदे का भी। तो जैसे ही मैं इधर की तरफ आता हूँ मुझे एक बंदा दिखता है, देखना अभी खिड़की से भाग रहा था पीछे की तरफ, तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ एंड भाई इजीली इस वाले बंदे को मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर इसकी पेटी लूटते हैं एंड इसकी गाड़ी उठाते हैं, इधर से निकलते हैं। अब पिछले 5 मिनट से मैं बंदों को ढूंढ रहा था, बंदे मुझे मिल ही रहे थे, तभी यहाँ पर स्कूल से मुझे फायर आता है हल्का सा, मैप में दिख गया था तो मैंने सोचा चलो इसी को मारते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले स्कूल के पास आता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ बंदा मुझे दिखे तो मैं मारूँ, बट मुझे सिर्फ साउंड आ रहा था बट बंदा नहीं दिख रहा था। तो सामने एक बंदा दिखा जिसे हमने इजीली मार दिया, ये एक बोर्ड था। अब इस वाले बोर्ड को मारने के बाद यहाँ पर मैं स्कूल में देखने की कोशिश कर रहा था कि बंदा है किधर, अगर मैं किसी गलत बिल्डिंग में घुस जाऊँगा तो दूसरी तरफ से मुझे बंदा इजीली मार देगा, इस वजह से मैं गोल गोल घुमा रहा था। एक बार बंदा दिख जाए फिर हम सीधा बंदे पे पुश करेंगे एंड यहाँ पर जो मैं मरने वाला हूँ भाई कसम से बोल रहा हूँ, कभी कभी ना मेरे साथ ग्लिच हो जाता है। यहाँ पर देखो बंदे ने फायर किया, मैं समझ गया बंदा कहाँ पर है। अब मैं सीधा घुसूंगा बंदे पे एंड बंदे के साथ फाइट हमारी होगी काफ़ी अच्छी, इजीली मार भी सकता था बट यार मैं मरा कैसे हूँ देखना। अब बंदे पे मैंने पुश तो कर दिया था, बंदा बिल्कुल मेरे सामने की तरफ था, मुझे पता था वो कहाँ पर है। मैं मोलिनेट करता हूँ बट बंदा मरता नहीं है। अब इसके साथ मेरी फाइट काफ़ी लंबी देर तक चलती है तो वो बीच वाला पार्ट मैं कट कर देता हूँ, मैं मेन पार्ट आपको दिखाता हूँ। अब ये मेन पार्ट जहाँ पर मैं हगने वाला हूँ, इस वाले बंदे का नाम याद रखना। अब मुझे बंदे का सिर्फ साउंड आया था कि बंदा किधर की साइड है, मैं कंफर्म नहीं था वो पीछे वाले कमरे में है या फिर ये जो होल है बड़ा सा इसमें है। तो सबसे पहले मैं होल के अंदर नेड करता हूँ, जैसे मैं होल के अंदर नेड करता हूँ मैं एक और नेड कमरे में करता हूँ जो पीछे वाला कमरा है। जैसे मैं वहाँ पर नेड करता हूँ ना मुझे हल्का सा बंदा दिखता है देखना भागते हुए, वो देखो दिखा। अब मैं कंफर्म हो गया था बंदा पीछे वाले कमरे में है जो छोटा सा कमरा है, मैं एक और नेड करता हूँ, पता नहीं बंदा बच कैसे रहा था, कमरे के अंदर तो नेड जा रहा था। अब मैंने एक मोली की, मोली भी बंदे को लगी होगी मेरे हिसाब से, मैं प्री फायर करता हूँ बंदा प्री फायर में भी नहीं आता, बंदे की किस्मत काफ़ी अच्छी थी। अब मैं यहाँ आया मैं एक और मोली करता हूँ, देखो बंदा भाई मोली से निकल के आता है बाहर देखो।
अब यहाँ पर मैंने गड़बड़ क्या की, मैंने थोड़ा सा प्री फायर देके रीलोड कर ली, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे ही बंदे ने मेरे पे स्प्रे किया, मैंने भी उस पे स्प्रे किया, बट मेरी रीलोड पे लगी हुई थी, इस वजह से मेरा स्प्रे हुआ ही नहीं। और यहाँ पर मैंने हगा बहुत गंदा। अब इस वाले बंदे का नाम याद रखना, इस वाले बंदे का नाम क्या था, इस वाले बंदे का नाम था अमन, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे मारता हूँ वो देखना। सबसे पहले मैं एक गाड़ी पे लैंड करता हूँ एंड गाड़ी उठा के सीधा निकलूंगा मैं स्कूल की तरफ, जहाँ पर मैं मरा था। अब गाड़ी उठा के मैं स्कूल की तरफ तो आ गया था, अब मुझे सिर्फ उस बंदे को ढूंढना था। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा, जो भी मुझे मार रहा है मैं उससे बदला जरूर ले रहा हूँ, तो बदला लेने में मजा आता है यार, यही तो फिर चैलेंज है। चैलेंज हो ना थोड़ा सा तो मजा आता है। अब ये चैलेंज लेके चल रहा था मैं कि मुझे इस वाले बंदे को मारना है जिसने मुझे मारा। तो मेरे पास गन नहीं, मेरे पास लूट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यूजी थी, वो भी 25 गोलियों वाली। तो मैंने यहाँ पर पुश कर दिया बंदे पे। अब इस वाले बंदे को हम मारते कैसे हैं वो देखना। मुझे साउंड आया, मैं भागता हूँ, तो देखो हल्का सा बंदा दिखा यहाँ पर, मेरे पास नेड नहीं था, मैं स्टन खींचता हूँ एंड वो बंदा मोली कर देता है मेरे पे। ये वही बंदा था जिसने मुझे मारा था। अब ये यहाँ से भाग जाएगा डर के मारे, इसको लग रहा था कोई और बंदा है, इसे ये नहीं पता था कि अभी इसने मुझे ही मारा है। अब जैसे ये भागता है मुझे साउंड आता है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं गन उठाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं अपनी ही पेटी लूटता हूँ एंड थोड़ी सी लूट वगैरह करने के बाद उस वाले बंदे पे पुश करते हैं। अब बंदे का मुझे साउंड तो आ गया था, बट यहाँ पर अब 2 बंदे थे, मैं अकेला नहीं था। अब यहाँ पर देखना क्या बसड़ मचती है। सामने की तरफ बंदा था, मुझे साउंड आ चुका था, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, दिखा मुझे बंदा। अब मैं सही मौके का वेट करूंगा और यही वो सही मौका है। दोनों की फाइट हुई एंड मैंने सही मौके पे फायर करके 1 किल तो ले लिया। मैंने फायर क्यों नहीं रोका आप सोच रहे होंगे, क्योंकि वहां पर 2 बंदे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, मुझे लगा कि वो ऊपर आएगा मैं मार दूंगा। अब यहाँ पर मैं उस वाले बंदे को मारने के लिए इधर की साइड आता हूँ, मुझे साउंड आ गया था बंदा नीचे की तरफ है एंड मैं आता हूँ प्री फायर देता हूँ, बट बंदा यहाँ पर प्री फायर में आता नहीं है, वो नेड कर रहा था इसलिए मैं प्री फायर दे रहा था, वो बंदा अपने ही नेड से खुद ही मर जाता है। भाई साहब यहाँ पर मेरा 1 किल वेस्ट हो गया, बट हमने बदला ले लिया भाई। अब इसकी पेटी लूटते हैं, इधर से निकलते हैं और बंदों की तलाश में। अब यहाँ पर मैं आराम से लेटा हुआ था, मुझे बंदा भागते हुए दिखता है, बट मैं रीलोड करने के चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, मैं फायर नहीं कर पाता। तो यहाँ पर मैं सही मौके का वेट करता हूँ एंड जैसे ही सही मौका आता है फिर हम इसे टपकाते हैं कैसे वो देखना। अब काफी देर से मैं सही मौके का वेट कर रहा था, तभी मुझे बंदा ओपन में दिखता है रेंगता हुआ एंड इजिली हम इस वाले बंदे को मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद मुझे साउंड आता है पीछे की तरफ से, सामने अपार्टमेंट की तरफ से। मैं देखने के लिए भागता हूँ सीधा अपार्टमेंट की तरफ। अब सही बताऊं तो अपार्टमेंट की तरफ मुझे कोई भी दिखता नहीं है, इस वजह से मैं सोचता हूँ कि गाड़ी उठाता हूँ इधर से निकलता हूँ और बंदों की तलाश में, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब जोन काफी छोटा हो गया था, सब बंदे गाड़ियां लेके घूम रहे थे, तो मुझे किसी एक गाड़ी वाले को पकड़ना था। तभी मुझे सामने एक यूएसजेड वाला दिखता है जो काफी स्लो था, इस वजह से मैं आया। मैंने पहले स्प्रे करने की कोशिश की बट वो आगे निकल गया, तभी वो ठुक जाता है एंड भाई इस वाले बंदे को इजिली मार देता हूँ। इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ एंड यहाँ पर मेरी आदत है यार, बंदा देख के ना मैं रह नहीं पाता, इस वजह से इस वाले मैच में मैं मरता हूँ। मैं इधर की साइड आता हूँ, कोई फायर कर रहा था, मैं देखने की कोशिश करता हूँ बंदा ले जाता है एंड इजिली इस वाले बंदे को भी मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद एक और गाड़ी वाला यहाँ पर मुझे दिखेगा, अभी देखना आप खुद देखना यहाँ पर कैसे मैं मरता हूँ। अब यहाँ पर मैं जा ही रहा था तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है मेरे पीछे कोई है, तो मैं गाड़ी घुमाता हूँ एंड यहाँ पर देखना बंदा दिखेगा मुझे, मैं गाड़ी रोकता हूँ। मैंने बंदे पे इतना स्प्रे किया, मैं क्यों मरा, क्योंकि मैं कवर में नहीं था, वो बंदा बिल्कुल कवर में चला गया था। हल्की सी गोलियां उस पे लगी, हल्की सी गोलियां उसकी गाड़ी पे लगी, बट इस वाले मैच में अपना 23 का प्लस हुआ एंड अपनी जो रैंक है वो अभी 5-6 हज़ार के आसपास चल रही है। तो जल्दी हम कॉन्कर कर देंगे, मेरे हिसाब से मैं 2 या 3 दिन में कर दूंगा, क्योंकि मैं लगातार नहीं खेलता, मैं 2-3 मैच ही खेलता हूँ, इस वजह से 2-3 दिन बोल रहा हूँ। करने को मैं आज पूरी रात खेलूँ ना तो आज ही कर दूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा खेल के करेंगे, इजिली आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।